अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ कुरैशी। आज आप लोगों के साथ मैं चिकन हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दो बड़ी प्याज़ है जिसको मैंने काट के और फ्राई कर लेना है, गुलाबी ब्राउन नहीं करना है हमको। इसी तरीके से आप देख सकते हो हमको गुलाबी करने का है। और मैं अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और इसको एक मिक्सी जार में डाल लूँगी। तो आप देख सकते हो प्याज मैंने मिक्सी जार में डाल दी हूँ। दो बड़े टमाटर है इनको भी मैंने काट के मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हमको इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। और अब मैंने कुकर रख दिया है, कुकर के अंदर तेल डाल दी। तेल गर्म होने के बाद में हमको ज़ीरा डाल देना है इसके अंदर। और ज़ीरा डालने के बाद हरी इलायची तीन बड़ी जो है वो डाल देना है। जब अब इसके अंदर हमको चिकन सारी डाल देना है और 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करना है। तो जितनी चिकन की भुनाई करेंगे ना तो गाइस इतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। और आप अपने हिसाब से अदरक लहसुन ले लो। और अदरक लहसुन लेने के बाद इसमें हमने हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक और धनिया इन सबको उनको डाल देना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको भून लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। माशाल्लाह से आप देख सकते हो चिकन पूरी तरीके से भून गया है। अब हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट लिए थे वो हमको डाल देना है। और डालने के बाद इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमको भूनना है, क्योंकि चिकन है तो हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। और आप देख सकते हो इसमें मैंने एक कटोरी दही डाल दिया है। और दही भी डालकर हमको अच्छे तरीके से भून लेना है। और मैंने अब इसमें सीटी लगा ली। दो सीटी के बाद में हमको देखना है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह दो सीटी लग चुकी है। एक चम्मच से मैंने क्रीम डाल दिया है, कस्तूरी मेथी डाल दी है। और इनको भी अच्छे तरीके से हमको मिला लेना है। हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल के तैयार हुआ है। अब इसमें हमको ऊपर से कोथमीर डाल देना है। तो गाइस आप भी इसी तरीके से बनाइए। अब हमको इसका तड़का देना है। तो इसमें मैंने असली घी ले ली हूँ और कुछ हरी मिर्ची है जिनको बीच में से काट कर और इसका तड़का दे दिया है। तो आप माशाल्लाह से इसी तरीके से बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल चिकन हांडी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए।